प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है। मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ जून महीने के राशिफल लेके 2021। आप सभी को पता ही है कि हम जो भी राशिफल लेते हैं सारी चंद्र राशियां होती हैं। मून साइंस जो आपकी जन्म पत्री के हिसाब से आपकी राशि होती है वही वाली राशियों का हम प्रेडिक्शन करते हैं। इनको सन साइंस से आपने कंफ्यूज नहीं करना है। दीज आर नॉट द सन साइंस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मेष राशि के बारे में बात करेंगे। एरीज, जिसका मून साइन एरीज है, जिसकी पत्री के हिसाब से राशि जन्म राशि एरीज है, मेष है, 2021 जून का महीना कैसा जाएगा आइए जानते हैं। तो जब मैं देखती हूँ टैरट की तरफ और जब हम गोचर की पत्री को भी अपने मस्तिष्क में रखते हैं तो हम ये प्रेडिक्शन निकालते हैं कि ये जो आपका जून का महीना है ये कुछ सही नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा लड़ाई झगड़े आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। क्यों? कोई भी जगह पे कोई भी आपकी लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे आप सही हो दूसरा बंदा गलत हो, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा, चाहे आप सही हो दूसरा बंदा गलत हो, तभी भी आपने लड़ाई झगड़े को टालना है। यदि आप इस एडवाइस को सीरियसली नहीं लेंगे, अगर आप ये लड़ाई झगड़ा नहीं टालेंगे तो कोर्ट केस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कोई भी व्यक्ति आप पे क्रोधित हो जाएगा और वो आपके ऊपर कोई केस डाल सकता है। और केस किसको पसंद है? मुझे नहीं लगता हमें अपनी मानसिक शांति अगर बनाए रखनी है तो किसी कोर्ट केस में उलझने के अगर हमें योग नजर आ रहे हैं तो हमें उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको पूर्ण रूप से धैर्यवान रहकर अपने मस्तिष्क में ये बात डाल लेनी है, होश पूर्वक अपने आप को समझाना है कि मुझे इस महीने में कला कलेशों को इग्नोर करना है। आप मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं ना? आपने कला कलेशों को इग्नोर करना है। खास करके जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनमें जो भी मेष राशि का है, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, अपनी मैरिड लाइफ में कोई भी अनबन आपको आने नहीं देनी। और अगर बहुत समय से मेष राशि के जातक की मैरिड लाइफ में बहुत समय से कोई अगर परेशानियां चल रही हैं तो इस महीने खास करके थोड़ा सा मौन रह करके आपने दूसरे व्यक्ति को जवाब नहीं देना, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो थोड़े से घातक हो सकते हैं। इन सेंस मानसिक परेशानियां, केस, कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस केस, इन सब में हम ना ही फंसे श्रोतागण तो उतना ही अच्छा होता है। तो प्लीज मेरी एडवाइस को सीरियसली लीजिएगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। गाड़ी चला रहे हैं, कहीं हिट हो गई, इग्नोर कर दीजिए, चले जाइए अगर आपकी गलती नहीं है तो। और यदि आपकी गलती है तो एक छोटा सा सॉरी बोल दीजिए और निकल जाइए वहां से। लेकिन किसी से भी छोटी सी छोटी बात पे भी, मेरी बात का मर्म समझिएगा कि छोटी सी छोटी बात पर भी किसी के साथ भी कहीं भी आपने ज्यादा उलझना नहीं है, ठीक है। और यदि आप लोगों को कोई कोर्ट केस पुराने समय से चल रहा है या आप लोग सोच रहे हैं हम किसी पे केस करें तो अभी थोड़ा ठहर जाइएगा, क्योंकि अभी आपके पक्ष में कुछ निकले ऐसा हम नहीं देखते। ये महीना केसेस के लिए, ये महीना किसी पे एलिगेशन लगाने के लिए, या ये महीना ये सोचने के लिए कि हमें ये चीज करने के लिए कोर्ट में जाना चाहिए, आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो आप ही को मानसिक संताप होगा, आप ही को फिजिकल स्ट्रेस होगा, जो हम बिल्कुल भी आपके लिए नहीं चाहते हैं। तो आपने पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, नो फाइट्स एट ऑल, ये जिस्ट है, कोई फाइट नहीं करनी आपने, ठीक है। साथ ही सेहत के लिए टेंशन्स थोड़ी निस्संदेह रूप से बढ़ जाएंगी इस महीने आप लोगों के लिए। आपने बेस्ट क्या करना है? मेडिटेशन, योग, आपने योगा का सहारा लेना है। हमारे ऋषि मुनि ने योग के विभिन्न तरीके बताए हैं। प्राणायाम कीजिए, उसके बाद योग कीजिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जैसा होना चाहिए बॉडी में वैसा होगा, थोड़ा सा आप शांत रहेंगे और ये सब कुछ आपको निरोगी और स्वस्थ रखेगा, ठीक है। इफेक्टिव है, आपने करना है। साथ ही अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका लकी कलर और लकी नंबर क्या होगा इस महीने के लिए। लकी कलर आपके लिए व्हाइट होगा, जो थोड़ा आपको शांत रखेगा। साथ ही येलो भी रखिए, क्योंकि येलो थोड़ा आपको होश में रखेगा, आपको स्मरण रहेगा कि हाँ मैंने ऐसा प्रेडिक्शन सुना था और मुझे इस महीने ऐसा कुछ नहीं करना है। येलो हमेशा ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाता है। साथ ही सूर्य भगवान को जल देना मत भूलिएगा। रोज सुबह उठ के आपको सूर्य भगवान को जल देना है। ओम सूर्याय नमः बोल के आप उन्हें जल दीजिए। उससे भी सूर्य देव जैसे प्राकृतिक अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही आपके मस्तिष्क में जब कोई अंधकार आएगा तो उसको दूर करने में आपकी पूर्ण सहायता करेंगे, ठीक है। लकी नंबर आप लोगों के लिए होगा 9 और 1। इन दोनों नंबरों का प्रयोग कीजिए। लाइक इन नंबर की डेट्स पे अगर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप ले सकते हैं, या जिनका जोड़ 1 या 9 आता है उसमें आप अपना कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, कोई शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं। वो आपके लिए निस्संदेह रूप से निर्विघ्न रूप में पूर्ण करेगा उस कार्य को और मंगलमय भी होगा। तो आशा है आपका ये महीना मंगलमय जाए। धन्यवाद।